वालेकुम सलाम। आपका नाम है? अमीन खान। तो भाई ये आपकी जो मोटर की शॉप है ये कहाँ पे है? ये शेख साहब अलगाव पे। ये शेरशाह पंखा होटल है, सही है, दाऊद गुलाम के बराबर में। अमीन खान चौक किससे पूछोगे तो अमीन पैसेंजर पंप के हवाले से भी आपको सब बताएंगे, अमीन प्रेशर पंप के हवाले से भी आपको सब बता देंगे। आपके पास कौन कौन से मोटर हैं? और बस हर किस्म की मोटर है, हर किस्म की मोटर। मेरा पैसेंजर पंप का था, पैसेंजर पंप जो आपके टेस्टिंग में भी लगते हैं और आपका प्रेशर घर के वॉशर में भी लगते हैं, सर्विस स्टेशन में भी लगते हैं, मुख्तलिफ पर्पज पे लगते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं सर्विस स्टेशन के ऊपर और सफाइयों का काम भी होते हैं और घर पे गाड़ी वगैरह वॉश करना होता है या सर्विस स्टेशन पे वॉश करना, सबसे ज्यादा उस पर लगता है। बताओ ये टेस्टिंग के लिए होती है और ये लाइन को सफाई करने के लिए होते हैं, बहुत हाई फैक्टर होते हैं, तो ये मुकम्मल सिस्टम होती है इसके। अब देख लीजिएगा ये जो पंप पड़ा हुआ है नीचे, ये 3 हॉर्स पावर का है, इसको प्लेस रखो, ये वाला पंप जी, ये जो पंप है ये 3 हॉर्स पावर का है, सही। ये 3 हॉर्स पावर का पंप सर्विस स्टेशन पे चलता है, इसका 1400 चक्कर में होता है। ये 1.5 हॉर्स पावर का, ये छोटा वाला, ये 1.5 हॉर्स पावर घरों में चलती है, सही। ये घरों में चलता है, इसका 105 बार प्रेशर होता है। तो ये 3 हॉर्स पावर जो है जो ये आपको घर में भी इस्तेमाल होगा, सर्विस स्टेशन में मुकम्मल इस्तेमाल होते हैं। बताए ये 10 हॉर्स पावर आते हैं जो पड़े हुए सामने, मुख्तलिफ प्राइस होते हैं 3 हॉर्स पावर के, जितने भी पंप है उनके अलग अलग रेट होती है। ये वाला जो ये भी मुख्तलिफ रेट होती है और इंजन की अलग रेट होती है जो, और रिपेयरिंग वाला जो होता है जो बना होता है उसका अलग प्राइस होती है। बना हुआ चलता तो बहुत है मगर बना हुआ इतना लाइफ टाइम नहीं होती है, ओरिजिनल जो होता है उसका लैप टाइम ज्यादा होती है, वो सारे वो ओरिजिनल है। अब इसका रैपिंग जो है साफ है, बकाया अगर रैपिंग थोड़ी पटी हुई तो उस वजह से कॉल स्ट्रैक नहीं करा। ये नीचे जो पड़े 10 के है, ये 7 हॉर्स पावर का ही बड़ा बड़ा वाला, और ये 3 हॉर्स पावर का सफेद डिग्री वाला। ये नीचे जो 10 ये तो बड़े है, ये 10 हॉर्स पावर का, ये भी वही है ना जी, ये भी 10 हॉर्स पावर का। तो ये प्रेशर पंप है, प्लेजर प्रेशर पंप कहते हैं इसको, ये प्रेशर प्लेजर पंप कहते हैं इसे जी। ये मुकम्मल मेरे पास हाई प्रेशर पंप प्लेजर का काम होता है। नहीं ये 7 हॉर्स पावर के है, इसको कुछ सबसे एंड वाले जो 7 हॉर्स पावर है, इस तरफ वाले जो 3 हॉर्स पावर का, ये मुख्तलि ब्रांड है सर जी, मुख्तलिफ रेट है। क्या और घर के लिए इस्तेमाल के लिए मैंने आपको दिखाया, ये देखे आप, ये जो पड़े हुए ये अभी माल है, अभी ये वॉशिंग वगैरह भी हुआ है, ये अभी तैयार होने वाला है, ये घरों के लिए होते हैं। और एसी वगैरह यहाँ कहीं पे आप टूर में बाहर लेके जाते हो, जैसा एसी वाले लेके जाते हैं टेलिंग वाले, तो उन्हीं के लिए होते हैं। ये ओरिजिनल एटली का पंप होते हैं, छोटे 1.5 हॉर्स पावर में, ये 3 हॉर्स पावर के पंप होते हैं सारे, ये आर ओ में और प्रेशर में है, इस पर मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होते हैं। जो यहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पे नीचे, ये भी 10 हॉर्स पावर का होता है, इसका प्रेशर रेडिंग होती है। जो आप देखो इसका ये 10 हॉर्स पावर का पंप है, 10 हॉर्स पावर ये 300 बार प्रेशर मारेगा, 300 बार प्रेशर होता है इसका, इसका फ्लो रेडिंग कम होता है, प्रेशर हाई होती है। ये भी यही है, ये जो अभी रिपेयरिंग करने के लिए आया है वो मारे, ये ऊपर जो नया पड़ा है ये सारे सब प्लेस मारे, इसमें खाली पंप है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये खाली पंप होते हैं, बगैर मोटर के होते हैं, इसमें आप मोटर अटैच कर सकते हो आपने जी, इसमें आप जनरेटर भी अटैच कर सकते हो, पंप भी अटैच कर सकते हो। नहीं ये 220 और 3 पेस पे होता है। जी अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रेशर पंप है, जेट पंप कहलाते हैं। ये पहले जो मैंने आपको बताया प्लंजर पंप का होता है, अभी ये देख रहा हूँ अभी ये जेट पंप है। ये लाइन पे जैसे डेंगू पंप हमारे काम करते हैं ऐसे ही काम करते हैं, ये 150 फुट दूर से सेक्शन करते हैं और ये लाइन से पानी खींचते हैं, मुकम्मल ये जेट पंप होते हैं। और ये वाले मुकम्मल ये पंप आप देख रहे हो, ये वाले पंप ये पंप है, मगर ये जो 4 मंजिल पे 6 मंजिल पे मुख्तलिफ पानी चढ़ते हैं ऊपर भी उसके लिए बना हुआ है। तो ये सिंगल पेस में मिलेगा, 3 पेस में मिलेगा और इसी में 12 और भी बन रहे, 12 और भी इंशाल्लाह आपको चल जल्दी मिलेगा। ये मुख्तलिफ सही है। अभी ये वाला जो पंप है, अभी ये वाला जो पंप है ना, जो पंप है ना ये आपका 4 मंजिल पे पहेगा पानी, ये 4 मंजिल पे फेंकेगा। ये वाला जो पंप आप देख रहे हो ये लाइन पंप कहलाता है इसको, जैसे हमारे नलकों में पानी नहीं आता, सही है, प्रेशर कम होता है, ये उस पे लगते हैं, ये लाइन पंप है, ये लाइन का काम करते हैं। इसके ऊपर एक स्विच लगती है,
जो प्रेशर स्विच कहते हैं मुझसे सही है, वो प्रेशर आप जैसे नल का ऑन करोगे, ये देखिए मेरे ये स्विच आ गया, ये जो स्विच है ये जैसे आप नलका ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पंप स्टार्ट हो जाएगा, आप नलका बंद करोगे तो पंप बंद हो जाएगा। जिस नलकों में पानी कम आता है ना ये इस पर्पस के लिए होता है। इनका प्राइस बिल्कुल बताएंगे आपको, मगर ये प्राइस मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ इसका प्राइस जो है, कल के कस्टमर बोल रहे ये ज्यादा बता रहे हैं कम बता रहे हैं तो वो नहीं बता सकते आप। उसकी वजह क्या है, इसमें रिलायन मोटर भी होता है, इसमें बनावा पंप भी होता है, इसमें जीनियन भी होता है, फिर इसके प्रोसेस अलग अलग मुख्तलिफ की होती है, तो इस हिसाब से मुकम्मल चीज के डिमांड पे होता है। बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हो उनको, कहीं भी चीज गारंटी का मिलेगा सही है, वहाँ पे एक दिन का टेस्टिंग भी होगा, आप चला दिए दिन में प्लान करके हर चीज की मुकम्मल बिल्कुल बनाई होगी, प्राइस में मुनासिब हो गया। ये वॉशेबल पंप होता है, ये भी घरों में इस्तेमाल हुआ है, सात मंजिल के लिए, सात मंजिल में भी पानी पकड़ेगा और कूलिंग टावर में भी लगता है, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ पर्पस में आ जाएगी। ये एक ही पंप है तो इससे हम 10-12 काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ पानी पीने, पानी पीने ये हर किस्म पे इस्तेमाल होती है, ये आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कूलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सर्कुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 220 ये 220 ब्रॉस पावर का पंप, ये स्पेन का जो ये भी 220 हो रहा है, ये 150 का होता है, और ये वाला जो ये देखा है जी ये 3 मंजिल के लिए, ये वाले में ये 5 मंजिल के तक कर देगा, ये 7 मंजिल तक कर देगा, ये छोटी भी है छोटे काम के लिए। अभी ये 2 मंजिल के जो डबल पेस पड़ा हुआ ये वाला काम करेगा, छोटा मिल जाता है इसे। ये पंप है, ये सारे पंप है, ये सारे पंप है, या चढ़ाने वाले, ये सारे चढ़ाने वाले, सारे चढ़ाने वाले, ये ओरिजिनल एक्टी का माल था बाहर का। ये अगला देखे ये एसएस का है, जो कार पानी में हम चलाते हैं ना, ये एसएस होती है, ये एसएस का, ये ऊपर वाला ये एसएस जी, ये भरी वाली नहीं, ये भी ऊपर ही चढ़ाते पानी, मगर कारा पानी को चढ़ाते हैं। अब ये वाला ये तो एक मंजिल कटेगा, एक से 2 मंजिल बस, ये छोटा होता है आधे का पंप होता है, एक जी ये एक है, एक है ये भी आधे का, 300 भी पड़ा हो, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ है, आधे का भी आते हैं, एक का भी आते हैं, साइज में कुछ पड़ा होता है, और बस पर्स या इसका एक होता है। इस मुकम्मल घर को अभी मैं आपको दिखाता हूँ 12 ओवर के, अभी ये देख रहे हो आप, ये है 12 ओवर के पंप, 12 ओवर के मोटर होते हैं, इस मोटर का काम ये होता है, ये हमने डोंगी पंप के ऊपर चलाना होता है सही है, 12 ओवर बैटरी से चलते हैं, शमशी से भी चलते हैं सही है, या बैटरी से आप चलाओगे तकरीबन ये 50 एम्पीयर की जो बैटरी है उस पर 2-3 घंटे निकालते हैं, वो पानी का लोड भी होता है। ये आप दिखाइए, ये देखिए ये डोंगी के ऊपर लगाओ जी, जितना अपने मंजिल के ऊपर ऊंचा चढ़ाना होता है तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसमें बनाना पड़ता है हमें। ये फिर बड़े लगे हैं, ये बड़े, ये जो पंप आपको देख रहे हैं ये भी ऊपर मंजिल पे चढ़ाना होता है, मगर ये डीसी 26 ओवर में बनाया होता है, कुछ कुछ 12 ओवर में ये अभी पॉसिबल होती है, ये 12 ओवर का ये मोटर है, ये सारे मोटर है, ये आप पंप के ऊपर फिट कर सकते हो, ये इस लाइन सेट पर है या पूरा दिखा सकते हैं, पूरा दिखा मुकम्मल आ जाएगी प्लस। अब ये शमशी से इससे लगता है, अभी आपको पेन भी दिखाता हूँ, वो पेन भी चेक कीजिएगा, ये देख तो आप देख रहे हो ये 12 ओवर क्या होते हैं, ये पेन जो है ये 12 ओवर के सही, ये छोटा ब्रांड है, ये तकरीबन आपका आराम से 4-5 घंटे जो है ये 50 एम्पीयर की बैटरी में निकाल लेगा सुकून से, और इसके आगे आप 3-4 घंटे आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। ये भी 12 ओवर के पंप है, ये पंप देख रहे हो, ये गर्म पंप की रहते हैं, इसको ये 12 ओवर के, इस पर डीसी और डीसी लगाओ या 3-4 मंजिल में इससे पानी भी चढ़ा सकते हो, और इसमें कमाल क्या है आप लाइन से भी सेक्शन कर सकते हैं इसको, ये बड़ा जबरदस्त पंप है, इससे आप लाइन से, क्योंकि ये गर्म बना होता है अंदर, देख लो आप ये गर्म है, ये अंदर से आप लाइन से भी सेक्शन कर सकते हैं, ये वाला पंप दोनों काम कर सकते जी बिल्कुल। और प्राइस अक्सर मेरा अपना जो चैनल है, अगर आपने चैनल काफी व्यूअर्स मुझे ये बताते हैं कहते हैं अमीन आप रेट नहीं बताते, तो रेट ये होता है, रेट हर चीज की मुख्तलिफ होती है, अभी मैं आपको रेट बताऊं, क्योंकि एक तो माल आता जाता है, आपको पता है डॉलर ऊपर नीचे होता है सही है, उस हिसाब से भी रेट नहीं रुका सकते। अभी आपके वीडियो पे आप वीडियो पे रेट बताता हूँ,
क्योंकि हमारे को काम है दुकानदार, हमें पता होता है इस चीज का। अब मैं कस्टमर को बता दूं ये पीस है 2000 की, सही है। कल कस्टमर आ जाए वो बोलेगा ये रेड हो चुका हो 2500 की, तो वो बोलेंगे लाजिमी बात है 2000 की चीज आपने बताया था, तो वो गलत पेमेंट नहीं होती हमारे यहाँ पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है उसमें, इसमें भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, सही है। तो व्हाट्सएप नंबर से हर किस्म का शर्शा में जितने भी ओरिजिनल मशीनरी होगी ना उसके हवाले से आप पूछ सकते, और मेरे चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो, हाई प्रेशर पंप पलेंजर या अमीन खान शर्शा पलेंजर लिख देना, अमीन खान शीप फर्नेचर, शीप फर्नेचर लिख देना, तो मेरा चैनल भी आपको आ जाएगा। तो उसमें भी ये सारा कुछ मुकम्मल दिया होता है मैंने। इसके मेन सोर्स जो है जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमाला करते हैं, वो फालतू नहीं होगी। तो आप देख सकते हो 12 ओवर के ये मुकम्मल सिस्टम होते हैं। अभी जो गर्मी आ रही है ये पानी के बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें शमशी वगैरह, इसमें शमशी वगैरह ये जो चीज होती है ना ये बड़े बेहतरीन चलते हैं। अब ये वाले जो पंप है ऐसे 12 ओवर का है ना, ये शमशी वाला पंप है। आप देख रहे हो बोरिंग का अपना पंप नहीं रहता होगा, ये बोरिंग का है, ये 2 करोड़ का होता है, सही है। 2 करोड़ इसको देखते हैं, ये बोर से उठाते हैं, ये बोरिंग वाला है। अब यहाँ देखें ये जो ये भी लाइन से खींचते हैं, ये सारे डीसी मोटर है मुकम्मल। यहाँ पे आपको हर किस्म का डीसी मोटर मिलेगा, दूसरे इसके सबसे भी आप चेक करें, ये देखें ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर 220 से 12 वोल्ट लेते हैं। जिस टाइम में आपके पास शमशी काम नहीं कर रहा हो या आपके बैटरी काम नहीं कर रहा हो, आपने डॉक्टर बिजली पे लगाया है डायरेक्ट अपने पंप को चला रहा हो, तो वो कोई टेंशन नहीं होता। जैसा ये आपको पास बैटरी नहीं है या शमशी नहीं है उस टाइम में, और लाइट है तो आप लाइट का भी काम ले सकते हो इससे मुकम्मल। तो ये जो डीसी होते हैं इसे हर फार्मूले पे आप सिस्टम ले सकते हो मुकम्मल होती है। तो डीसी आप चेक कर रहे हो, ये गियर मोटर होती है, ये गियर मोटर किस पे लगती है आपको, जो हमारे दूध के छके होते हैं ना, दूध वगैरह होता है या कोई ताकतवर चीज लगी होती है जो मोटर हम घुमा नहीं सकते, इस पर गियर लगा होता है, ये गियर देखो जबरदस्ती घूम रहा है, तो पीछे से मोटर जो होता है उसके ऊपर लोड नहीं होता है, ये बड़े से बड़े वजन को घुमा देता है। जो ताकतवर कोई चीज हो या वजन हो, अभी 1000 किलो है उसको घुमाना है, तो ये छोटी सी मोटर उसको घुमाएगी। दूध में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज में होते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखो ये काफी घर वालों का टेंशन होता है जो किचन में लगते हैं एग्जॉस्ट बिलोर, ये एग्जॉस्ट बिलोर कहते हैं इसको, ये एग्जॉस्ट बिलोर जो होता है ये गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं, एग्जॉस्ट फैन होता है इसको, ये देख लो ये एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन भी आपको मुकम्मल मिलेंगे, एग्जॉस्ट फैन है, ये गियर चक्के है, ये तो व्हील है, पेट्रोलिंग वगैरह की व्हील होती है मुख्तलिफ प्रेशर की होती है। अब ये जो मोटर आपको नजर आ रहा है सामने सारे इसी पर्पस के होते हैं, ये कहते हैं जेट पंप, जो मैंने आपको पहले वाटर वेट पंप दिखाया था ना, जेट पंप खिलाता है इसको, इस जेट पंप का काम होता है लाइन से सेक्शन करते हैं, ये वाले जो पंप ये 200 फुट से सेक्शन करते हैं, ये वाले जो पंप ये तकरीबन 250 फुट से सेक्शन कर देने का शर्त ये हो कि लाइन में लीकेज ना हो, सही। ये सारे जेट पंप है जो आप देख रहे हैं, जेट पंप है, ये बेडर सर्कुलेशन पंप खिलाते हैं उससे, 3 फेस के होते हैं, ये वाले सर्कुलेशन पंप है, ये जो है ये वर्टिकल पंप है, वर्टिकल पंप का काम होता है हमारे आरओ प्लांट के ऊपर लगे होते हैं पंप, सही है। तो ये आरओ प्लांट के लिए बना होता है मुकम्मल, आप चेक कर सकते हैं। तो डीसी आपने मुकम्मल चेक कर दिया, प्रेशर प्लंजर पंप भी चेक कर दिया, लाइन सेक्शन और ऊपर चढ़ाने वाले सारे पंप भी आपने चेक कर दिया। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त होगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं भूलना, और आगे भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में भी आप विजिट कर दीजिएगा, हाई प्रेशर पंप पलेंजर या शीप फर्नेचर अमीन हाल आप जैसे लिखोगे तो शीप के जितने भी न्यू माल आते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, और उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होता है, तो उसका पिक्चर वगैरह और चीजें। तो मेरा बेसिकली जो काम है ये प्रेशर पंप है और हाई मशीनरी का काम है, तो जितने भी रस होगी मैं लाजिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑर्डर के बैग रखते हैं, ये पेट्रोल पंप है सामने, पेट्रोल पंप से आप अंदर एंट्री होंगे, सही पंकोडर के शीप फर्नेचर पंप, और शीप फर्नेचर पंप जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बराबर में दाऊद गोदाम है,
ये दाऊद गोदाम है, दाऊद गोदाम के गेट पर लेस तरह ये दाऊद गोदाम के गेट के पास ही ये शॉप है, हमारे मार्केट है, इसमें दूसरी 12 और सब कुछ मिलेगा। और ये सामने जो है ये शिप फर्नीचर है, शिप फर्नीचर भी दिखा दूंगा। ये देख लो आप, ये मेरी शॉप है और ये शॉप पे प्लंजर पंप आपको डीसी मुकम्मल हर चीज मिलता रहेगी। तो प्लंजर पंप की आप लग सकते हो और इसमें जो मुख्तलिफ आपको घर के लिए और कमर्शियल एरिया के लिए हर किस्म का पंप मिलेगा। प्रेशर पंप 200 बार, 250 बार, 300 बार, 105 बार हर पंप मिलता रहेगा। स्पेयर पार्ट मुकम्मल आप देख रहे हो, ये स्पेयर पार्ट है हमारा, स्पेयर पार्ट जो होता है ओरिजिनल के होते हैं मुकम्मल, और इसकी प्लस होती है। मैं आपको एक चीज दिखा दूँ, वो है ये देखो, ये पीतल का हेड होता है इसका, जो हेड आप देख रहे हो ये पीतल का, अभी बच्चा वाल लगा रहे थे, ये वाल होता है इसके अंदर, ये पीतल का हेड होता है इसके अंदर मुकम्मल ओरिजिनल किट के सामान लगते हैं हर चीज़।